Hey guys and welcome back to the Pokemon Sun version जहाँ पे गए थे पिछली बार हम लोगों ने हाउ के साथ बैटल किया था एंड देन हम लोगों को ऑब्टेन हुई थी द जेड रिंग। एंड जी हाँ गाइस यार उसी के साथ हम लोगों ने एक सब्स्टिट्यूट पोकेमॉन कैच किया था जो कि था पैक जो हम लोगों ने कैच किया है गाइस यार बिकॉज ऑफ कि अगर कुछ आगे सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ जाएँ जो वहाँ पे हम लोग अपने को हमारे जो हमारे ओके वेट क्या हुआ ओ ओके तो यहाँ पे टॉरस जो है वो यहाँ पे जाने नहीं दे रहा है। हाँ ए, उस तरफ नहीं। अरे हाँ जाने जाने से पहले गाइस यार यहाँ पर अभी हम लोगों को बुलाया था ना यहाँ पे लिली ने कि वो जो है यहाँ पे प्रोफेसर के लैब दिखाने चाहती है। तो वो प्रोफेसर के लैब जो है वो सिर्फ और सिर्फ टॉल ग्रास से जाकर ही गुजर सकते हो। वो कहते हैं कि अगर तुम सराउंडिंग से गुजरो टॉल ग्रास से तो यही एक तरीका है। सिंस मैं एक ट्रेनर नहीं हूँ ऑल्दो मेरे रेबल्स के ऊपर रिलाई करती हूँ। तुम्हें पता ही है ना रेबल्स क्या इस्तेमाल करते हैं वो पोकेमोन्स को बचाते हैं एंड ने भी ओ आई मीन कॉस्मोग। कॉस्मोग जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेयर पोकेमोन है वो काफ़ी दूर दूर जगह से आया है। ऐसे लगता है कि ये थोड़ी सी एक स्ट्रेंज पावर है। इसका एक इस्तेमाल वो जो है यहाँ पे सब में बची थी बट कुछ लोग जो है वो यहाँ पे कॉस्मोग को उनके अपने इस्तेमाल के लिए अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। दैट्स वाई मैं और प्रोफेसर कागुना हाला उनके कॉस्मोग के बारे में जानते हैं। प्लीज़ तुम मेन इस सब के बारे में किसी को भी मत बताना ये एक सीक्रेट है ओके। ऑल राइट तो इसने हमें जो यहाँ पे कह दिया है कि कॉस्मो के बारे में किसी को बट हम लोग किसी को बता भी नहीं वाले थे क्योंकि गाइस यार इट्स अ सीक्रेट क्योंकि कॉस्मो एक कह सकते हो कि और रेयर पोकेमॉन है। एंड जी हाँ गाइस यार ऐसे बैटल्स में करने वाला हूँ फिलहाल के लिए तो क्योंकि हमारे पायरो को जो है यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए कह सकते हो कि एक्सपीरियंस की सख्त ज़रूरत है। दैट्स वाई यहाँ पे अभी हम लोग जो है वो सीधा ओके ऑल राइट यहाँ से ओ बच रहे हैं। मुझे लगा कि मैं बैटल से बच जाऊँगा बट कोई बात नहीं यार बैटल्स जितने हम लोग अच्छे से ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। ट्रेनर टिप्स पोकेमॉन रेडी हो गए फर्स्ट बैटल ओ ओके ऑल राइट तो यहाँ से सीधा ओ सो ये रही प्रोफेसर कुकुई की लैब ओके हाय हम आ चुके हैं वेट चल रहे हैं इनकी लैब में तुम अपनी पूरी जान लगा दो मेरी बॉडी तैयार है। देयर दे गो अगेन पोकेमॉन रिसर्च लैब के एक यूनिक चार्म है तुम शायद ही एग्री करते हो। मैं एक्चुअली यहाँ पे प्रोफेसर के साथ पिछले 3 महीनों के साथ काम कर रही हूँ। मैं उनकी थोड़ी ज़्यादा असिस्टेंट तो नहीं हूँ बट एटलीस्ट वो मुझे पे बैक करते हैं मे बी और मैं एक रियल पोकेमॉन ट्रेनर हो सकती थी मैं उनकी ज़्यादा मदद कर सकती थी। ओके क्या चल क्या रहा है द प्रोफेसर वो यहाँ पे मूव रिसर्च करने के लिए नहीं रुकते नॉट इवन इनसाइड द लैब इटसेल्फ। ऐसे लगता है कि रूफ को पैच करने की फिर से ज़रूरत पड़ेगी। ओके यस ऐसे एंड अब जैसे तुम मैंने देखा कि उन्होंने कोड भी वॉश कर दिया है और क्लीन कर दिया है और उसमें श्रेड्स भी आ जाएंगे। सो मैं मेंडिंग क्लोज में तो अच्छी नहीं हूँ बट मैं उनको एक नया ज़रूर दिलाऊंगी। ऑल राइट हमें शायद अंदर चले जाना चाहिए वरना और डैमेज हो जाएगा। ओके तो शायद हम लोग जो है वो यहाँ पे अंदर ही चले जाते हैं वरना और भी डैमेज होने की संभावना है। ओके हंस रहे हैं यहाँ पे प्रोफेसर कुकुई हैंड रॉकरव उनका वेल हाय प्रोफेसर कुकुई ध्रुव शुक्रिया कि तुमने उसे लिली उसके साथ में लेकर आई ध्रुव को ऑफकोर्स ये एक मेरे लिए हेल्प होगी बट आई एम सपोज मैं आपकी असिस्टेंट हूँ। रॉकरूफ के मूव्स कितने स्टाइलिश थे मैं बस उनको अच्छे प्रोग्रेस के लिए रिसर्च कर रहा था। फिर ध्रुव मैं क्यों ना तुम्हारा पोकेडेक्स चेक कर लूँ। ओके व्हाई नॉट क्या कर रहे हैं वैसे तो ये तो ये जगह कोई बुरी नहीं है ना राइट बट दैट्स व्हाई कि मैंने तुम्हें बुलाया है हियर हर इट कॉल्ड इट क्या हुआ लिली मैं सब कुछ बात करूँ क्या सी देयर इज अ पोकेमॉन इनसाइड योर पोकेडेक्स कॉल्ड रोटोम। रोटोम मैं तुम्हें रोटोम के बारे में बताती हूँ। ये एक पेक्युलर पोकेमॉन है जिसकी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी से बनी हुई है। ये जो है यहाँ पे मशीन्स के ऊपर रिलाई करता है या बड़ी एंड यस
ओके सो यहाँ पर अभी हम लोगों को एक पोकेडेक्स तो मिल चुका है, बट इस अलोला रीजन की खास बात कैसी यार यही है कि ये एक रोटोम पोकेडेक्स क्रिएट करता है। ओहो कमाल है यार। एंड नाउ मैं मेरे पोकेडेक्स जो हूँ यहाँ पे सारे पार्ट्स जो है मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। ओके हाँ वही बोला मैं, यहाँ पे मुझे पोकेडेक्स मिल तो गया बट उसके ज़्यादा फंक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहे थे। सॉरी रोटोम, आई वेस तुमने सरप्राइज कर दिया है रोटोम। चलो मैंने तुम्हारा फेवरेट डेस्क पावर्ड अप कर दिया है, तो ध्रुव को हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करो। ओके वो नाइस टू मीट यू पैल, कैन रंजन वर्ड्स। ओके सिद्धू, रोटम जो है यहाँ पे तुमसे बात कर सकता है, ऐसे लगता है कि रोटम ये यहाँ पे तुम्हें पसंद आने लग गया है। ध्रुव एंड ये काम कैसे करेगा एग्जैक्टली? यहाँ पे अलोला में नहीं आया है, तो मैंने डिसाइड किया कि उसको एक स्पेशल रोटम डेक देगा जो उसे नेकिवेट करेगा। नाइस टू मीट यू रोटम। यस तुम जो है यहाँ पे रोटम को देख कर ही जो है यहाँ पर उसकी थोड़ी सी अगर लिटिल टैप कर दोगे तो वो तुम्हें मैप के बारे में पूरी तरह जानकारी दे देगा। ओह हाउ आ चुका है लोला, सॉल्टी ब्रिज जो है यहाँ पे मुझे आपकी तरफ इशारा कर रही थी। ओह वाह क्या ये लॉफ्ट है? ये कितना ऑसम है। नहीं, ये सिर्फ प्राइवेट है, प्रोफेसर जो है यहाँ पे मुझे सिर्फ अंदर जाने देते हैं, बाकी किसी को भी नहीं। अगर तुम अगर किसी पर्सनल वॉकरों को देखो कि उसकी मदद की ज़रूरत है तो उसकी मदद करनी चाहिए, राइट ध्रुव? एंड हाउ एंड दैट्स वाई मैं जो हूँ यहाँ पे लिली को ऊपर की तरफ रहने के लिए रहता हूँ। सो ध्रुव मैं तो रोटोम टेक जो तुम्हारे हाथों पे छोड़ दे रहा हूँ, रोटोम ध्रुव का ध्यान रखना। ओके सो ये है रोटोम डेक्स, ये कितना क्यूट है। ऑल राइट सो इम्पोर्टेंट थिंग मैं तुम्हें यहाँ पर बताना चाहता हूँ जो कि है द आइसलैंड चैलेंज। आइसलैंड चैलेंज जो है यहाँ पे तुम्हारा चांस है कि तुम इस अलोला रीजन के स्ट्रांगेस्ट टेरर बनो और आइसलैंड चैलेंज चैंपियन भी बनो। यह एक ग्रेट एडवेंचर रहेगा तुम और तुम्हारे पोकेमोन को साथ में रहने के लिए। ओके यहाँ पे 4 मेन आइलैंड है जो अलोला क्रिएट करते हैं और काहुना एक ईच वन ऑफ देम। ओके इफ यू विश कि अगर तुम काहुना के वर्दी हो, ऐसे लगता है कि तुम जो है यहाँ पे तुम्हें टोटल 7 ट्रायल्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। ध्रुव मैं चाहता हूँ तुम अपने लिटन को एक शॉट दे दो, तुम जो है यहाँ पे सक्सेसफुली अपने पोकेमोन्स को हील कर चुके हो अपने पहले बैटल में और अपने पुल यूज भी कर चुके हो, आई थिंक तो ये मुझे तुम्हारे पोकेमोन की स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करने में काम आएगा। यस मैं ये जरूर करूंगा। ओह या जो जो डेडिकेट करता है मेरी लाइफ को और मेरी स्टोरी करता है अपने पोकेमोन्स को, वो उसको मैं उन्हें देखना चाहता हूँ कि वो इस तरीके के पोकेमोन आइसलैंड चैलेंज को तुम टैकल करते हो। ये लो सब लोग जो है यहाँ पे आइसलैंड चैलेंज जो है यहाँ पे इनको एक एमुलेट मिलते हैं। ऑल राइट सो यहाँ पर हम लोगों को जो है वो फर्स्ट एमुलेट मिल चुका है आई गेस। मुझे भी यहाँ पर मिल चुका है मेरे दादाजी की तरफ से। ऑल राइट ध्रुव सो तुम यहाँ से भी जा सकते हो। ओके तुम्हें जाना है ट्रेनर स्कूल्स में, तुम जो है यहाँ पर बेसिक ट्रेनर्स जो है वो यहाँ पर पोकेमोन ट्रेनर्स सीखोगे। ये एक लॉन्ग रोड है आइसलैंड का चैंपियन बनने के लिए, बट एक ट्रेनर स्कूल जो है यहाँ पर उन्हें ट्रेनिंग देता है कि और ये तुम्हारी पहली स्टेप है। ऑल राइट मैं जरूर ट्राई करूँगा वो चीज़, तुम क्या कहते हो? हाउ मैं अपने पोकेमोन के साथ खेलना चाहता हूँ, आई मीन ट्राई करना चाहता हूँ द आइसलैंड चैलेंज। ये जो है अलोला के पीपल यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। लिली तुम ध्रुव का ध्यान रखो, जब तक वो यहाँ पर रोटोम को इस्तेमाल करना नहीं जानता अच्छे से तुम उसका साथ दोगी। ओके गाइजर यहाँ पर अभी हम लोगों को जो है वो चले जाना है अपने इस सफर की तरफ। ओके चले जाता हूँ मैं यहाँ पर अभी आगे की तरफ।
ऑल राइट, तो हम लोगों को जो है यहाँ पे नेविगेशन में आ चुका है कि हम लोगों को कहाँ पर जाना है। जो पॉइंट आउट किया हुआ है ना वहाँ पे जाना है मुझे, तो ग्रासपति से जाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन भी नहीं है। बट या कोई बात नहीं गाइजर, यहाँ पर अभी हम लोग जो है, और हाँ आप लोग कह रहे थे गाइजर कि एक अच्छी टीम बनाओ ब्रो। यस यार, मैं अच्छी टीम बनाने वाला हूँ। मैंने अब तक इतना अच्छे से डिसाइड किया नहीं हूँ कि मैं अपने कौन से पोकेमोन्स को अपना जो है वो यहाँ पर साथ दूंगा अपना आगे की चलकर। बट या टीम जो है यहाँ पर हम लोग जरूर बनाने वाले हैं। ओके तो गाइजर यहाँ पर अभी हम लोग ओके सो यहाँ पर हमारी हीलिंग हो चुकी है, हमारी मॉम ने हमारी हीलिंग कर दी है ऑल दो। सो लेट्स गो यहाँ से सीधा नीचे की तरफ। ऑल राइट, ओके यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है क्या? नहीं, ओ यहाँ से रास्ता जो है वो खुल चुका है। ओ हाय लिली, ए एक सेकेंड, मैं तुम्हें यहाँ पे पोकेमोन सेंटर दिखाती हूँ। ऑल राइट, यहाँ पर भी पोकेमोन, ओ शायद ये क्विक टूर है हमारे लिए हमारी जर्नी को स्टार्ट करने से पहले। अगर तुम पोकेमोन के सेंटर में उस वुमन की तरफ बात करोगे, वो तुम्हारी पोकेमोन को परफेक्ट हेल्थ में हील कर देगी। ये कितना अमेजिंग है नहीं? मैं यहाँ पे पोकेमोन को दर्द में नहीं दे सकती। ओके तुम जो है यहाँ पे पोकेमोन को डिपॉजिट भी कर सकते हो और उन्हें निकाल भी सकते हो किसी में से। और पोकेमोन में जो हो तुम यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रायल्स में तुम लोग पे हमारे काम आएंगे। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर जरूर देखूंगी, तो अगर मैं होती तो वो है यहाँ पे कैफे एरिया। तुम जो है यहाँ पे मोबो मिल्क पीकर जो हो थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो। ओके मैंने यहाँ पे ट्रैवल गाइड के थोड़ा सा मैंने पढ़ा था अलोला वंस में। जब पोकेमोन सेंटर में यहाँ पे अलोला इन अलोला ऑफर्स करते हैं डिफरेंट सेक्शन ऑफ ड्रिंक्स। कैफे में और यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंट सेक्शन मिल्क मिलेंगे तुम्हें। मैंने सुना था कि उनके पास काफ़ी स्पेशल स्पेशल ड्रिंक्स हैं हर एक सिटी में। हम जो है यहाँ पे टेनिस स्कूल की तरफ जाएंगे, बट मेक श्योर कि तुमने अपनी पोकेमोन की हीलिंग कर ली है। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर अभी फर्स्ट टाइम है, तो यहाँ पर अभी हम लोग जो है वो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हीलिंग कर लेते हैं, एंड देन हम लोग चले जाएंगे सीधा ट्रेनर स्कूल में। आप लोग देख ही सकते हो मैप जो है ना रूट ऑप्टिक्स का, अगर ये इंडिया में होता जी मैप्स के बदले में, आपको इतना क्लियरिटी देखो हम लोगों को ट्रेनर स्कूल का यहाँ पर पूरा का पूरा नक्शा जो है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। हाँ सेव कर देता हूँ क्योंकि आई डोंट वॉन्ट एनी मे सब, यहाँ पर मैं सब सबसे अपने ये सेव कर देता हूँ, दैट्स वाई। तो ओ हियर वी आर, तुम देखो वो है टेनर स्कूल। ये ओ व्हाट इन द वर्ल्ड, ओ यहाँ पे टॉरस खड़ा है आगे, तो प्रोबेबली हम लोग नहीं जा सकते आगे की तरफ। ऐसे लगता है कि वो तो हमें आगे की तरफ नहीं जाने देगा। एनी थिंग्स थैंक्स टू टॉरस, बट हम लोग फिर से भी वैसे भी हम लोग डेना स्कूल जा रहे थे। तो बाकी काम मुझे फॉलो करो। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर अभी हम लोग चले जाते हैं सीधा। सो इट्स अ ट्रेनर स्कूल वेयर द ट्रेनर्स गो एंड लर्न और ट्रेनर टू टीचिंग्स। ओके सो यहाँ पर भी हम लोग ट्रेनर स्कूल सिर्फ, ओ प्रोफेसर कुकी भी आ चुके हैं यहाँ पे इतनी जल्दी हम लोगों से पहले। ध्रुव, मुझे लगता है कि मैं तुम दोनों को पास कर दिया हूँ समहाउ। या बट तुम्हारा स्वागत है ट्रेनर स्कूल्स में, स्कूल में ये प्लेस है जो यहाँ पे तुमको तुझे तुम्हें पोकेमोन ट्रेनर बनाएगी। प्रोफेसर कोकोई यही बच्चा है आप जिसकी बात कर रहे थे? या पुट हिम थ्रू द रिंगर, चार ट्रेनर्स तुम्हें एटलीस्ट 4 दिन इस स्कूल में तुम्हें हराना है। एक्सपीरियंस जो है तुम्हारे काम आएगा और तुम्हें ग्रो करेगा। या एक्चुअली एक्सपीरियंस की अगर बात करो, क्यों ना तुम ये लो। जी गाइस, हम लोगों को एक्सपीरियंस शेयर मिल चुका है। यस एक्सपीरियंस शेयर की तुम्हारे यहाँ पर अपने पोकेमोन्स को जो हूँ यहाँ पर फुल स्ट्रेंथ में जो है तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा। जो भी उच्च ट्रेनर जो है यहाँ पे पार्ट लेते हैं इसके लेसन में, मे बी आउटसाइड द स्कूल। ओके तो ओ वो क्लासरूम में भी है यहाँ पे जो ट्रेनर्स, यहाँ पर हम लोग चेक भी कर सकते हैं। ऑल राइट लेट द लेसन्स बिगिन। वो यहाँ पे थोड़े से वो थोड़े से टफ दिखेंगे, बट वो जो है यहाँ पे ट्रेनर्स को अच्छी तरह सिखाती है बच्चों को। वन ऑफ देम इज अ एक्चुअली कैप्टन ही। अगर तुम जो है यहाँ पर एडवाइस लोगे मुझसे, तो मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अलग अलग पोकेमोन्स के साथ जो है वो इजीली यहाँ पर उनके मूव अगर देखोगे और उनके यहाँ पर टैक्टिक्स सीखोगे तो तुम उन्हें हरा सकते हो। मुझे लगता है कि तुम्हें और भी काफ़ी सारे ट्रेनर्स के साथ बैटल करने का मौका मिलेगा। ध्रुव गो फॉर इट। ओके सो यहाँ पर अभी हम लोगों को जो है वो टोटल 4 ट्रेनर्स ढूंढने हैं इन ऑर्डर टू, मतलब कि इस सब हम लोगों को अगर सीखना है तो टोटल 4 ट्रेनर्स ढूंढने हैं यहाँ पर। पहला ही ट्रेनर मुझे दिख रहा है, क्या ये हमसे बैटल ज़रूर करेगा क्या?
ओके सो ये जो है यहाँ पर एक स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर है एंड हम लोग जो है वो इसके साथ फिलहाल के लिए तो बैटल नहीं कर सकते बट यहाँ कोई बात नहीं, यहाँ पर भी हम लोग जो है ओके सो चलते हैं सीधा। हाँ हाँ यहाँ से राइट साइड की तरफ पर ट्रेनर्स मुझे नज़र तो नहीं आ रहे हैं। ओह तो यहाँ पर अभी हम लोगों को मिल चुका है एक पोशन, चलो एक अच्छी बात है, जितने अच्छे ज़्यादा पोशन मिलेंगे उतने हमारे लिए काफ़ी अच्छे रहेगा। ओके तो यहाँ पर अभी हम लोगों को अपना फर्स्ट बैटल जो है वो यहाँ पर अभी मिल चुका है, तो या लेट्स गो टू डाउन टू इट। एंड हाँ गाइस यहाँ पर ये बैटल चल ही रहा है, मतलब ये पहला ही बैटल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके बाद जो है सीधा फोर्थ बैटल मैं आपको लोगों को दिखाने वाला हूँ, यानी कि जो मेन बैटल है हमारा वही मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो यहाँ मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पर अभी इतने ज़्यादा जो है वो इनकन्सिस्टेंसी क्यों आई थी, क्योंकि कल के क्वेश्चंस में यहाँ पर अभी आप लोगों को सॉल्व करना मैं चाहता हूँ। देखो गाइस यार मैंने ऑलरेडी कहा था कि काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड मैनेज करना पड़ रहा है, यहाँ पे मुझे हर एक चीज़ जो है यहाँ पर अभी मतलब कि शुरू अगर मेरा दिन 6 बजे होगा ना तो मैं मतलब कि मेरा दिन जो है यहाँ पर रात को 11 बजे ख़त्म हो रहा है। यस इतना ज़्यादा जो है यहाँ पर इतना ज़्यादा मतलब कि मैं दिन भर इतना बिजी होने लग गया हूँ, बट एक अच्छी बात है कि उसमें भी वीडियोस आ रही है, मैं कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ यहाँ पर जितना भी मुझे समय मिले ना मैं उतना ही समय में जो हूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए वीडियोज़ ज़रूर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड आपको तो पता ही है गाइस इस गेम को भी खेलने के लिए जो है यहाँ पर मेरे पास एक बढ़िया तगड़ा सा मोबाइल नहीं है, दैट्स वाई कि मैं दूसरे मोबाइल से खेल रहा हूँ। एंड इसी के कारण ना मैं चाहता हूँ यार, आप लोगों ने भी कहा था मुझे कमेंट्स में कि यार प्लीज़ इस बार जो हूँ इनकन्सिस्टेंट मत रहना, यार मैं बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं रहने की कोशिश करने वाला हूँ, मैंने ऑलरेडी कहा था 365 days 365 वीडियोज एंड दैट्स गोना बी आर रिजोल्यूशन फॉर द 2023। रिजोल्यूशन नहीं, एक हैबिट लगाने वाला हूँ मैं यहाँ पर, 365 वीडियोज ही नहीं उससे ज़्यादा भी आने वाली है, मैंने ऑलरेडी कहा था गाइस यार पोकेमॉन जिनवर्स भी मुझे कंप्लीट करना बाकी है, बट या वो भी हम लोग ज़रूर कंप्लीट करेंगे गाइस यार, बट थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा, पोकेमॉन जिनवर्स के एपिसोड को मुझे शूट करने का बिल्कुल भी अभी तक समय मिला नहीं है, दैट्स व्हाई मैं जो हूँ यहाँ पर अभी पोकेमॉन जिनवर्स को जो हूँ अब तक फिलहाल के लिए तो बैक पे रख रहा हूँ। एंड पोकेमॉन रॉकेट एडिशन तो यार पता नहीं कहाँ पे गायब हो गया है, अब वो उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, एंड मैं भी आप लोगों से ज़्यादा शेयर नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ उसकी भी वीडियो जो है यहाँ पर ज़रूर आने वाले हैं, उसका भी जो है यहाँ पर बड़े बड़े एपिसोड्स में कंप्लीट कर दूंगा, पोकेमॉन जेनोवर्स को भी शायद ही मैं यहाँ पर बड़े बड़े एपिसोड्स में ही डेवलप कर दूंगा 20 to 25 minutes एपिसोड। पोकेमॉन सन जो है यहाँ पर हम लोग एक स्लो पे सीरीज रखेंगे, प्रोबेबली 2 months में हर ये जो है वो फेब के एंड तक का जो है वो यहाँ पर मैं अगर रेगुलरली वीडियोस आ गई, अगर हर एक मंडे टू सैटरडे वीडियोस आ गई तो ही शायद ये गेम कह सकते हो कि गाइज यार फेब या मार्च के स्टार्टिंग में ही कंप्लीट होगा एंड देन वी विल स्टार्ट आर न्यू सीरीज जो कि होगी। अब तक थोड़ी ना यार, अभी तक तो बस तीसरा ही एपिसोड यहाँ पर अभी हो चुका है एयर, इतनी जल्दी थोड़ी ना यहाँ पर मैं डिस्क्लोज करूँगा, बट आपको तो पता ही है पोकेमॉन सन के बाद कौन सा गेम आया था वही हम लोग गेम खेलने वाले हैं, तो उसके लिए भी अभी बहुत टाइम है, तो थोड़ा सा गाइस यार इंतज़ार ज़रूर करना। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि हम लोगों ने सारे ट्रेनर्स को जो है यहाँ पे अभी हरा तो दिया है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो हो एक्सप्लोरेशन कर देता हूँ, एंड ये जो एक्सप्लोरेशन है गाइस यार यहाँ पर मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में करना चाहता हूँ, सो यहाँ पर अभी यहाँ से जो है यहाँ पर मैं 2x speed लगा दे रहा हूँ ताकि आप लोग भी जो है यहाँ पर बस जो है वो देख लो, अगर कुछ होगा तो आप लोग यहाँ पर मैं यहाँ पर बता दूंगा। ओके सो यहाँ पर अभी मैं सीधा इस एक्सप्लोर को जो है वो 2x speed में लगा देता हूँ। ऑलरेडी कहते हैं यहाँ पर अभी हम लोगों ने गेम जो है यहाँ पे सेव कर दिया है, एंड यस तीनों के तीनों ट्रेनर्स को यहाँ पर हम लोगों ने हरा दिया है, एंड दिस इज वन इज द लास्ट वन। तुम जानते हो कि मैं स्ट्रांगेस्ट क्यों हूँ, क्योंकि ये कूल है स्ट्रांग बनना। ऑल राइट हियर वी गो ध्रुजी गेमा वर्सेस राइजिंग स्टार जोसेफ। यस गाइस उसके पास बस एक ही पोकेमॉन है बट एक अलोलन ग्रेमर है। ओके सो ये थोड़ा सा मज़ेदार आने वाला है ये इस बैटल में। ओके तो यहाँ पर जो हूँ वो मैं एम्बर के साथ शुरुआत करना चाहूँगा ऑल दो। ओके तो ऑल राइट
ओ सो यहाँ पर अभी ओके, तो पॉइजन टच की वजह से जो है यहाँ पे हमारा पायरो जो है यहाँ पे अभी गाइज पॉइजन हो चुका है। बट आई एम गोना कीप विद द एम्बर, यस मैं एम्बर के साथ जाने की पसंद करूँगा। ऑलराइट गाइस यहाँ पर अभी हम लोगों ने एक और एम्बर दे दिया है। ओके ओहो, थोड़ा सा यहाँ पर अभी और भी डैमेज होने वाला है। आई डोंट वांट कि मैं यहाँ पर अपने ग्रेमर को डाउन कर दूँ। और फाइनली यार हम लोगों ने ग्रेमर को जो है यहाँ पर अभी डाउन कर दिया है एंड दैट्स इट। ओ सो पायरो हैज गॉन टू द लेवल 11 लीर, बट आई डोंट वांट यू लर्न लीर। तो चलते हैं यहाँ से अभी सीधा। ओके तो राइजिंग स्टार जोसेफ को यहाँ पर हम लोगों ने सक्सेसफुली हरा दिया है। ऑलरेडी गाइस यहाँ पर अभी हम लोग जो है ये कितना भी क्यूल नहीं था, मे बी मुझे ऑल्टी नहीं करनी पड़ेगी, बट फाइन वॉट एवर, मैं अपनी हार कबूल करता हूँ और ये मैं तुम्हें टेक्निकल मशीन दे देता हूँ। ओके सो गाइस वी हैव ऑब्टेन द TMO1। ऑलराइट ये एक TM मशीन है, वो बताइए ना टेक्निकल मशीन्स। ओके सो गाइस यहाँ पर अभी हम लोगों को टेक्निकल मशीन्स के बारे में इतना ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी लर्न सो मच फ्रॉम। ओ दैट्स अ बेल, अटेंशन स्टूडेंट्स, तुम सेकेंड फ्लोर पे आ जाओ इन द ऑफिस प्लीज। क्या तुम इतनी जल्दी ऑफिस से बुला लिया, कुछ तो गलत किया है क्या? बट कुछ नहीं मैंने किया है। देन दैट्स व्हाट यू से। ओके सो यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो ऑफिस को बुला लिया यार, पता नहीं यार क्या हो गया है। बट यहाँ से जो है आगे की तरफ हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। आई जस्ट होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ गाइस यार लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अगर आप चैनल पर भी नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे यार फॉलो कीजिएगा, मेरे सोशल मीडिया के लिंक सारे इन द डिस्क्रिप्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस पोकेमॉन सन वर्जन। तब तक के लिए गाइस यार गुड बाय।